समाज में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा की स्थापना के लिए भाईचारा सम्मेलन होता है, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जो बड़े भाईचारा स्थापित करनी। और इतना सम्मेलन और सभा होने के बाद भी क्या होता है, बोले सारा माल अपने खा जाते हैं और भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं, इसी का नाम भाईचारा है। आज का भाई सारा माल तो अपने खा गए और भाई के लिए क्या छोड़ा, बोले चारा छोड़ दिया। बोले इससे भाईचारा की स्थापना नहीं होगी, भाईचारा की स्थापना तो समाज में तब होगी जब राम की कथा को लोग श्रवण करेंगे और इसे जीवन में उतारेंगे। असली भाईचारा होगा। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होकर एक दूत से कहते हैं, भैया कहो कुशल दोबारे, तुम नीके निज नयन निहारे। दूतों ने कहा, हाँ महाराज, आपके पुत्रों का हम संदेश लेकर के आए। दशरथ जी का प्रेम देखो, दशरथ जी कहते मेरे पुत्रों का संदेश? बोले हाँ, मेरे पुत्रों को तुमने देखा है? दूतों ने कहा, महाराज देखा है। दशरथ जी की आंखें भर आईं। दशरथ जी ने कहा, कैसे मैं मानूं कि तुमने मेरे पुत्रों को देखा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो दूतों ने कहा, महाराज अब हम तो कोई ऐसा प्रमाण लेकर के तो नहीं आए हैं, परंतु एक प्रमाण हमारे पास जरूर है। बोले क्या? दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्रों को जो देख लेता है ना, फिर उसको दिखना ही बंद हो जाता है। हाँ, आपके पुत्र को जो देख ले उसको दिखना बंद हो जाता, फिर उसको संसार देखने का मन ही नहीं करता है। जो बोले आंखों को कोई चीज फिर पसंद आती ही नहीं। देव देख तब बालक दो, देव देख तब बालक दो, अब ना बालकों को देख लेने के बाद देख देव देख तब बालक, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब न आंख तर आवत को। यहां देखो, देखने का विषय भी दो है। बालक कौन है? बोले दो, देव देख तब बालक दो, और देखने वाली आंखें भी दो हैं और दृश्य भी दो है। इसका मतलब बोले इन आंखों से दो चीज ही देखने लायक, कौन? बोले एक तो राम और एक रामानुज। राम परमात्मा और रामानुज आचार्य, अर्थात गुरु और गोविंद, यही दो तत्व इन आंखों से देखा जाए। इन आंखों की सार्थकता ही गुरु तत्व और गोविंद तत्व, दो ही तत्व ही जगत में कल्याण का हेतु है। और इन दोनों आंखों से इन दो को देख लिया, सब देख लिया, और सारा संसार देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इन आंखों से गुरु और गोविंद का दर्शन नहीं हुआ, राम और रामानुज का दर्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारी आंखें व्यर्थ हैं, उन आंखों का कोई प्रयोजन नहीं। वो आंखें कैसी हैं? बोले मोरपंख की आंख के समान, जैसे मोरपंख की आंखों, मोर के पंख में सैकड़ों आंखें होती हैं, लेकिन सब आंखें बेकार हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। दूतों ने कहा, महाराज हम तो आपके पुत्रों को देख करके आए हैं, आंखों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बोले भगवत दर्शन से जो रस प्राप्त हो जाता है, उस रस के सामने सब रस बेकार। हमारे आचार्य श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि तवामृतस्य अंबिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्य दिक्षति स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसं हि वीक्षते। तवामृतस्य अंबिनी पाद पंकजे, हे प्रभु,
आपके चरण कमल से निस्यंदित होने वाला जो रस है, जो मधु है, जो मिठास है, तमाम रतस्यंदिनी पाद पंकज निवेशितात्मा, आपके चरण कमल से निस्यंदित होने वाले मधु में जिसने अपनी आत्मा को मन को निवेशित कर दिया, तमाम रतस्यंदिनी पाद पंकज निवेशितात्मा कथम अन्य दीक्षति, उसको क्या अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा नहीं लगेगा। किस प्रकार से स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे, कमल के पुष्प पर बैठकर कमल के पराग को पीने वाला भौरा, उसके बगल में कोल्हू चल रहा हो, गन्ना का रस निकाला जा रहा हो, तो गन्ना का रस पीने वो नहीं जाता है, वो तो कमल के रस का ही पान, उसकी तरफ वो देखता भी नहीं। स्थिते रविंदे मखनंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षु रकम ही वीक्षते, वो मधुव्रत भौरे को कहते हैं, अर्थात मधु पीने का उसने व्रत ले रखा है। ये जीव भी भगवान के चरणारविंद के मकरंद का रस पीने का व्रत ले ले, यही सबसे बड़ा व्रत है। सारे व्रतों का यही परम फल है। तो भगवान के दर्शन के बाद, भगवत अनुभूति के बाद संसार में कहीं रुचि रहे ही नहीं है। दूतों ने कहा अब न आंख तर आवत हो। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए उनकी वार्ता को सुनकर। फिर महाराज ने कहा क्या संदेश है? दूतों ने पत्रिका दी। दशरथ जी महाराज पत्रिका लेकर के पढ़ने चले, आंखें डबडबा गईं। दशरथ जी ने सोचा अगर प्रेम के आंसू इस पत्रिका पर गिर गए तो जो इसमें लिखा है वो स्याही बिगड़ जाएगी, फिर तो संदेश पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दशरथ जी ने पत्रिका को तो ज्यों की त्यों रख दिया। दशरथ जी ने कहा तुम ही बताओ इस पत्रिका में क्या लिखा है, तुम्हें तो मालूम है। अब मिथिला के दूत को बड़े रसिक, मिथिला के दूतों ने गा करके बड़े सुंदर शब्दों में पत्रिका के भाव को कहा। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी श्री भक्तमाली जी महाराज जो विवाह रस के, सीताराम विवाह रस के बड़े रसिक महापुरुष हुए, बहुत से लोगों ने दर्शन भी किया होगा, उनको हम लोग प्यार से मामा जी कहते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी हमारी मैया हैं और वो किशोरी जी के भैया हैं, इसलिए हम सबके मामा। किशोरी जी को अपना बहन, किशोरी जी को अपनी बहन मानते, ये भाव उनका। और कथा में मामा जी पूज्य महाराज जी जब जय बोलते थे महाराज, जैसे हम लोग बोलते हैं श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, तो उनकी जयकार जो होती थी बड़ी अद्भुत, दुल्हा सरकार की जय, दुल्हा के भाई की जय, जनक के जमाई की जय, इस प्रकार से ऐसी ऐसी जयकार भाव को, और सब करने के बाद अंत में अपनी छाती पर हाथ ठोक करके कहते थे दुल्हा के सार की, दुल्हा के सार की, अपने को दुल्हा का सार, ये भाव था। कभी कभी मनोविनोद करते हम लोग जब बैठते, हम लोग तो बालक थे, हमारे स्वामी जी महाराज के पास जब आते थे बैठते थे तो चर्चा होती, तो पूज्य मामा जी कहते थे ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये बड़ी बड़ी जटा वाले, ये लोग कौन है? बोले ये बाबा हैं। बाबा बोले तो अंग्रेजी में बाबा लिखो तो क्या होगा? BABA बाबा। और मामा लिखो तो क्या होगा? MAMA मामा। तो महाराज जी कहते थे ये सब तो बाबा हैं, हम मामा हैं। बोले क्यों? बोले बाबा का मतलब BABA और हम तो MMA हैं, मामा। ऐसा रस उनका था महाराज। बोले तो सब BABA हैं, हम तो MMA हैं, मामा। तो पूज्य महाराज जी का पद है, दूतों ने बड़े सुंदर शब्दों में गा करके कहा हम तो पाती नहीं।